जरा बिहार में भी दिखला दीजिएगा। डेलीगेशन आया था आज, इसमें हमारे दोस्त रामविलास पासवान साहब हैं और मोहतरमा सीमा मुस्तफ़ा साहब साहिबा हैं और दूसरे लोग, उन सबका हमने दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम किया है, उनका शुक्रिया अदा किया है कि वो यहाँ की सूरत हाल जानने के लिए तशरीफ़ लाए। और हमने उनसे कहा है कि आप पार्लियामेंट में भी बात करिए और हिंदुस्तान के आवाम तक भी हमारी बात पहुंचा दीजिए कि जम्मू कश्मीर गुज़श्ता 63 साल से एक मुतनाज़ खित्ता चला आ रहा है और हिंदुस्तान का इस पूरे खित्ते पे एक फौजी कब्ज़ा है और इस फौजी कब्ज़े को जम्मू कश्मीर के आवाम न तो आज तक लेजिटिमेसी दे सके हैं और न आइंदा के लिए लेजिटिमेसी देंगे। और ये जो मिस्टर चिदंबरम साहब ने कहा था कि ये कश्मीर का मसला जो है ये ग्रोथ प्रोसेस का मसला है, उन्होंने जो वादे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, यही ये मसला है। और हमने इनसे कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा किया गया है कि भाई आपको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के इस्तेमाल का मौका दिया जाएगा। और ये भी एक तारीखी हकीकत है कि खुद हिंदुस्तान ये कज़िया अक्वाम मुत्तहिदा में ले गया और वहाँ कुल मिलाकर 18 करारदादें पास हो चुकी हैं। हमारा मुतालबा है कि जो प्रॉमिसज़ हमारे साथ किए गए हैं उनको पूरा किया जाए और करारदादों को अमलाया जाए, फौजों को यहाँ से निकाला जाए और जम्मू कश्मीर के आवाम से उनके मुस्तकबिल के बारे में पूछा जाना चाहिए ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। हमने उनसे ये भी कहा है कि भाई हम डायलाग के ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन डायलाग जो हो वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और होना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ मसला कश्मीर उसके तारीखी पस मंज़र की रोशनी में लोगों के की ख्वाहिशात और सेंटिमेंट के मुताबिक उसका हल तलाश किया जाना चाहिए और उसके बगैर डायलाग का कोई और मकसद हासिल न तो अब तक हासिल हुआ है। 150 बार से ज़्यादा डायलाग हुए हैं लेकिन किसी से मसले कश्मीर के हल के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसलिए जब तक हिंदुस्तान, हमने जो 5 निकाती फार्मूला पेश किया है जिसमें पहला नुक्ता ये है कि जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड नेचर है उसको इन क्लियर टर्म्स तस्लीम किया जाए और फिर ये जो काले कवानीन का निफाज है जिसके तहत यहाँ गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, लोगों की आज़ादी छीनी जाती है, यहाँ कत्ल गारदगरी का बाज़ार गर्म है, उनको विड्रॉ किया जाए, फौज का विड्रावल शुरू किया जाए, डेट न्यूज़ को रिलीज़ किया जाए और जो ख़ास तौर 5 महीने के अंदर जो 112 हमारे जवान जिसमें ज़्यादा टीनएजर्स हैं उनको शहीद किया गया है, उनके कातिलों पर मुकदमे चलाए जाएं और उनको करारवाकी सज़ा दी जाए। तो जब तक ये 5 निकाती फार्मूला जो हमने पेश किया है उसको जब तक तस्लीम ना किया जाए कोई भी बातचीत जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड साबित नहीं हो सकती है। ये सब बातें हमने उनसे कही हैं कि और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़ी शांति के साथ हमारी बात भी सुनी और उन्होंने जो कुछ फरमाया जैसे पासवान साहब ने और दूसरे हजरात ने, हमने भी पूरे सुकून के साथ बातें सुनी और ये मजलिस जो रही है ये बड़े खुशगवार माहौल में रही। और फिर हम एक बार फिर हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि ये पार्लियामेंट पे भी हमारी ख्वाहिशात और हमारे स्टैंड को पेश करेंगे और भारत के आवाम तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो वो तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पेश करते हैं वो सही तस्वीर नहीं है। सही तस्वीर ये है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का फौजी कब्ज़ा है और वहाँ के आवाम की अक्सरियत जो है वो इस फौजी कब्ज़े से हर हाल में आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। तो जब तक इस हैसियत से मसला कश्मीर को न देखा जाए कोई हल इसका सामने नहीं लाया जा सकता। साहब आपको लगता है जो 5 निकाती फार्मूला आपने बताया जिसमें आपने कश्मीर डिस्प्यूट की ज़्यादा बात की है
उस पर कुछ गौर अमल होगा, और साथ साथ में जो डेलीगेशन पिछली बार आया था लेड बाय पी चिदंबरम साहब, वुमेंस, क्या ये उसी की एक कड़ी है या इस डेलीगेशन का कुछ अलग भी मकसद है? नहीं, ये डेलीगेशन जहाँ तक इन्होंने कहा है वो ये कोई सरकारी सतह का डेलीगेशन नहीं है, ये एक अपनी प्राइवेट सतह पे इनका एक डेलीगेशन है जिसमें उन्होंने जिसमें अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं, जिसमें जर्नलिस्ट्स भी हैं और जिसमें प्रोफेसर्स वगैरह हैं, एजुकेशनिस्ट्स भी हैं, तो इसलिए इनकी हैसियत जो है वो एक अलग हैसियत बन जाती है। और इन्होंने तस्लीम किया कि आपके जो पांच निकाती फार्मूला है उसमें पहला नुक्ता जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए शायद तस्लीम वो उनके लिए कुछ ज़्यादा भारी बन जाता है, लेकिन बाकी चार पॉइंट्स जो हैं उन पर तो हमें अमल करना चाहिए। हाँ, ये उन्होंने मान ली ये बात। मैंने कहा इनसे कि भाई ये जो चार महीने हो गए हैं तो कम अज़ कम ये चार निकात तो आपको अमल में लाने चाहिए थे, और उसके बाद मुतनाज़ हैसियत का तस्लीम किया जाना वो तो बहरहाल मसले के हल के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, उसको किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी जो हमेशा मैसेज होते हैं कि जो पुरामन तौर पर से यहाँ पे जो फ्रीडम ड्राइव चलाई जा रही है, लेकिन जो हमारी यंगस्टर्स हैं फिर भी आज अलग लगते हैं कि जैसे आज हाल ही में सुबह मॉर्निंग में स्कूल बस भी जलाई गई है तिब्बतियन स्कूल की काठी दरवाजे में, आपके मैसेज? देखिए, हमने बार बार कहा है कि हमारी ये मोमेंट हर हाल में पीसफुल रहेगी, इसमें जलाओ घेराव और किसी और ऐसी हरकत का कोई जवाज़ नहीं है जिससे यहाँ किसी कोई चीज़ जलाई जाए या किसी चीज़ को निशाना बनाया जाए उसको या कोई ज़ख्मी बनाए, हमारी जद्दोजहद में इसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए हम दर्दमंदाना अपील करेंगे उन लोगों से जो मोमेंट के हक में हैं, उनसे हम फिर एक बार दर्दमदाना अपील करेंगे कि जिस तरह लीडरशिप की तरफ से जो आपको डायरेक्टिव आ जाए उसी के मुताबिक काम करना चाहिए, उस रास्ते से नहीं हटना चाहिए, उससे हमारी मोमेंट को नुकसान पहुँचे। सितंबर में आप डेलीगेशन में थे तो उस वक्त क्या नहीं हो पाया जो आप? देखिए, पिछली बार हम लोग आए थे गवर्नमेंट के डेलीगेशन में आए थे सर्वदलीय, वो भी डेलीगेशन हम लोगों के अपोजिशन पार्टी के डिमांड के ऊपर में बनाया गया था, और हमें इस बात का खुशी है कि जो सर्वदलीय कमेटी की बैठक आई उससे में क्या कहते हैं कि उसके बाद हालात पीसफुल क्या कहते हैं कि हुए, लेकिन पीसफुल हालात के बाद सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था सरकार ने कदम नहीं उठाया। सरकार ने सिर्फ जो है कुछ 8.8 पैकेज उन्होंने दे दिया, जिससे 8 पैकेज का अभी तक जो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं उसमें कोई सर जमीन पर कोई उसका असर क्या कहते हैं कि नहीं है। 3 आदमी की कमेटी बना दी गई, वो 3 आदमी की कमेटी किनसे बातचीत कर रही है उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उसमें क्या कहते हैं कि नहीं है, जो कश्मीर के क्या कहते हैं कि लोग हैं लीडर्स हैं उनका उसमें कहीं उसमें भागीदारी क्या कहते हैं कि नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग गिलानी साहब से पहले भी मिले थे, आज भी मिले हैं, हमारे इस कहते हैं कि जो है यहाँ पूरे के पूरा जो आंदोलन पीसफुल मूवमेंट चल रहा है उसके संरक्षक हैं, और सरकार को जो है डायलॉग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और इन तमाम जितने हमारे क्या कहते हैं कि नेता हैं इनको उसमें साथ में क्या कहते हैं कि संलग्न करना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम क्या कहते हैं कहा है, हम लोगों ने कहा है कश्मीर भारत का डिस्प्यूटेड अंग है कि नहीं है, इस पर मानते हैं कि सरकार को इतराज़ हो सकता है, भारतीय को इतराज़ हो सकता है, लेकिन बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं उसको बेस बना करके जो है बातचीत कहते हैं किया जा सकता है। डिटेन्यू जो लोगों हैं, कितने लोगों को इन्होंने क्या कहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो बंद करके रखा है कितने लोगों को छोड़ा है, वो बच्चों का जीवन का क्या कहते हैं क्या होगा, क्या कहते हैं कि ये बंकर इन्होंने हटाया है कितने जगहों से हटाया है। सबसे ज़्यादा दुखद समाचार हम लोगों को सुनने को ये मिला है, और यदि इसमें सच्चाई है तो हम लोग इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे कि हम लोगों को पता चला है कि गिलानी साहब क्या हाउस अरेस्ट हैं 3 महीने से, क्या कहते हैं कि इनका कहना है कि हम हाउस क्या कहते हैं कि अरेस्ट हैं, ये बहुत ही क्या कहते हैं कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो फिर सरकार को बतलाना चाहिए, ओपनली कहना चाहिए कि आप यू आर अंडर हाउस अरेस्ट। तो इसलिए जो इनके पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स में सरकार के तरफ से सरकार बतलावे कि 5 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स पर क्या कहते हैं कि सरकार जो है तैयार है, कितने पॉइंट्स पर बातचीत करने का है, कोई तो बातचीत का दरवाजा क्या कहते हैं खुलना चाहिए ना। वही तो हमने कहा कि बातचीत का दरवाजा खोलना चाहिए सरकार को, और क्या कहते हैं कि गिलानी साहब जैसे लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए।